काम नहीं करया। देख लो तो कूड़ा उसको उसके ऊपर कितना कूड़ा पड़ा। नमस्कार आदाब, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आपका पसंदीदा शो पब्लिक का मूड जानने के लिए। इस वक्त हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 187 सहिता विहार में। आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, पूरी तरीके से जोर इस वार्ड पर लगा रही है। निगम पार्षद जो हैं यहाँ पर, पहले बीजेपी के हैं नीतू चौधरी, आम आदमी पार्टी से विनय चौधरी जो नंबरदार हैं, उनकी पत्नी मुस्कान चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। क्या है पब्लिक का मूड यहाँ पर, जानने के लिए हम जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे क्या है इस वक्त उनका मूड। इस वक्त हम मौजूद हैं जसोला गांव के अंदर। काफी पुराना ये गांव है और काफी घनी आबादी है। क्या है पब्लिक का मूड यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे। क्या एमसीडी चुनाव है इस बार, क्या मूड है, लग रहा है या साफ सफाई होती है, काम होता है? साफ सफाई क्या है, अभी तो फिलहाल हो रही है, ठीक ही ठाक हो रही है। चुनाव है इसलिए हो रही है, पहले से होती थी? पहले भी आती थी, वैसे आ जाती है एमसीडी का गाड़ी आ जाती है। इस बार क्या मूड है, बदलाव होगा या पूर्व पार्षद जो है उन्हीं को लेके आएंगे? बदलाव तो काफी है, पहले से बहुत अच्छी है। झाड़ नहीं धक्के में भी हूँ, बकवासबाजी करे सब। हाँ, काम नहीं करा। देख लो तो कूड़ा उसके उसके ऊपर कितना कूड़ा पड़ा, देश में नाला भरा खड़ा, ऊपर पानी चले जाए, अंडे जाओ मानस कबाड़ में गए। फिर कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए आप? मैंने तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं, कुछ 10 दिन में भिंडा माह में आम तो के सारा लगा। फिर उनका 10 दिन तक कबाड़ा यहीं पड़ा रहेगा तो फायदा क्या है सरकार? इस बार फिर क्या पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक तो यही चाहती है कि सफाई हो, क्या फायदा है 10 दिन तक कूड़ा पड़ा रहेगा, घर घरों में से आता है, कोई फायदा नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं बनता है लोगों का, कितने लोगों का राशन कार्ड नहीं है, हमारा खुद नहीं है, वोट मांगते हैं हमसे, हम वोट देते हैं, कोई राशन कार्ड तो होना चाहिए ना, इतने सालों से रह रहे हैं कभी राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, जाओ कोई मतलब नहीं है, जब वोट मांगना होता है तो तुरंत वोट मांगते हैं, आते हैं उनसे कभी इतनी बार चर्चा करिए कि राशन कार्ड नहीं है, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ऐसे भगा के बात खत्म कर देते हैं। टाइम टेबल अभी अब 10 दिन से काम चलने लगा है, वैसे तो ऐसे 10 दिन पड़े रहता है कूड़ा, कोई फायदा नहीं होता। हाँ बस ऐसा ही है, टाइम है जब टाइम है वोट लें जी, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जब हम वोट देंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो नहीं बनता है वो बोलेंगे ना, राशन कार्ड नहीं है हमारे पास, है वो नहीं है राशन कार्ड, कोई नहीं बना, कल भी गए कोई नहीं सुनता, क्यों सड़कों से नहीं उठता है तो घर से क्या उठेगा। एमसीडी में इस बार क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा अब जो काम हुए हैं पहले? पब्लिक का मूड तो यहाँ तो ये है कि आप सरकार का है यहाँ पर जो है ना, आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी दिया उसको खरा उतरेगी? वो तो 90% तो वायदे उनके पूरे ही होते हैं, तो 90% होते हैं। हाँ जी, पूर्व पार्षद ने कुछ पहले काम होता है कभी वो नहीं होते, गेटों के बाहर वैसे कूड़े रहते हैं। हाँ ये देखो चार, हाँ सड़क पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं। नहीं पूर्व पार्षद ने काम नहीं किया वो, नहीं जैसे गेट के ना, गेट के बाहर डाल देते हैं लोगों बार, गलती लोगों की है, उनकी थोड़ी है पब्लिक। हाँ हाँ उठाते हैं। हाँ क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में, क्या माहौल है, क्या मूड क्या है पब्लिक का? सर पब्लिक तो अभी टाइम आएगा तब ना बताएगी, नहीं तो टाइम तो धीरे धीरे लग रहा है, फिर भी माहौल लग रहा है, माहौल है अभी वो तो अभी अभी अब तो सर वक्त बताएगा, अभी नहीं कुछ बता सकता। अच्छा काम हुआ यहाँ पे, साफ सफाई, कूड़ा उठाना, सीवर वगैरह? नहीं एमसीडी साफ सफाई तो नहीं है सर, नहीं नहीं साफ सफाई तो नहीं होती, झाड़ू नहीं लगता है, नहीं कूड़ा उठता है, झाड़ू नहीं लगता है, कूड़ा उठता है। पूर्व पार्षद इधर तो नहीं दिखाई देता हमको, काम किया है इधर नहीं दिखाई देता। पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं किया? नहीं। मुद्दे क्या है इस बार भाई? यही है मुद्दे, काम के नहीं है, जो जो काम करेगा उसको। आप क्या कह रहे हैं, साफ सफाई हुई है यहाँ पे? नहीं हुई भाई साफ सफाई, क्या तुम देख लो ना, ये अभी तो ये जब से मतलब इलेक्शन की वो चल रही, जब से तो ये थोड़ा साफ पड़ा, अभी देखो ये कूड़ेदान वहाँ था, अब ये जनता फ्लैट, ये रोड पे कूड़ेदान क्यों है ये, इसके लिए कभी शिकायत नहीं? यही तो ये जनता फ्लैट वालों का है कूड़ेदान। अच्छा। और ये वहाँ से निकाल निकाल के कूड़ा फेंकते हैं बाहर अभी। हाँ तुम रेगुलर उठते हैं कूड़ा? शाम में आई हो, शाम में तुम्हें खुद पता दिख जाएगा ये। हाँ
पूर्व पार्षद ने कुछ काम किया है भाई साहब? कुछ भी काम नहीं होता सफाई का। तो मूड क्या है इस बार पब्लिक का? मूड क्या मूड तो अब मतलब देखेंगे ना, बदलाव ही करेंगे कुछ ना कुछ। हाँ वार्ड नंबर 187 का जसोला गांव, भरे हुए नाले, बजबजाती नालियां, ये सब यहां पर इन सब चीज़ों की भरमार है। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए, वादे और दावों के बीच में लबालब भरे ये नाला, शायद ही उसकी कभी सफाई हुई होगी, लेकिन चुनाव नज़दीक है तो कूड़ा भी उठाने की कवायद तो शुरू हुई है। लेकिन नाले का हाल देख लीजिए, काफ़ी पुराना ये नाला है जो तकरीबन 3 से 4 कॉलोनियों को जोड़ता है, जो सहिता विहार से होता हुआ पूरा जसोला पॉकेट के अंदर आता है, फिर उसके बाद जसोला गांव के अंदर आता है और उसके बाद ये शाहीन बाग जो नहर है यूपी की उसमें जाता है। नाले की हालत बता सकती है कि शायद ही इसकी कभी सफाई हुई हो। यहाँ पर लोग किस तरीके से मजबूरी में इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं, चाहे निगम पार्षद हो या फिर विधायक, सुनने वाला कोई नहीं। वजह साफ है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता तो ज़रूर आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन सफाई के नाम पर अगर कोई बात करें हम तो वह नहीं होते। क्या लगता है यहाँ पे अभी हुआ कुछ काम हो रहा है यहाँ पे? ये सफाई कब हुई थी नाले की लास्ट? तो काम तो चलेगा ही। ये नाले की सफाई कब हुई थी लास्ट टाइम? सफाई जो होती रहती है 1-2 महीने में होती रहती है सफाई। जी हाँ, जब पानी पूरा एक्चुअली जब पानी भर के ओवरलोड हो जाता ना, बाहर आने लगता है तब होती है सफाई, उससे पहले सफाई नहीं होती। उससे पहले आर्षा जी ने यहाँ पे काम नहीं, आप देख तो रही है किस तरीके से गंदगी, बस इसी तरीके से चल रहा। जाहिर सी बात है लोग परेशान है इस चीज को लेके कि यहाँ पर सफाई, जब ये नाला पूरी तरीके से भर जाता है और भर के जब ओवरफ्लो में पानी सड़क से ऊपर निकल जाता है, क्रॉस हो जाता है, तब जाके यहाँ की सफाई होती है, वो भी जब स्थानीय लोग बिल्कुल नरकीय जिंदगी जीने पे मजबूर होता है। जी कुछ कह रहे थे? नेता तो ऐसे हो रहे भैया, यहाँ पे 5 आदमी लेके घूम रहे रैली में, समझे? तो वो क्या करवाएंगे, जो दिहाड़ी पे 10 आदमी भी ना इकट्ठा कर सके तो यार फिर क्या हो रहा, कद्दू हो रहा। तो इसका मतलब साफ आप समझ रहे हैं कि लोगों में कितनी नाराजगी है, ये साफ पता चलता है यहाँ पर कि काम के नाम पर किस तरीके से सिर्फ खोखले वादे किए गए। यहाँ सफाई हुई है कभी? मैं यहाँ पर नहीं रहती, हम यहाँ पर नहीं रहते, आप ही आए, हम शाहीनबाग रहते हैं। आते तो रहते होंगे ना, यहाँ पे सफाई दिखी कभी? नहीं, सफाई नहीं होती यहाँ की। तो लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर के यहाँ पर सफाई कभी नहीं होती। आगे का इलाका दिखाता हूँ आपको मैं, ये जा देते हैं, क्या ये दुकान आपकी यहाँ पर, क्या सफाई वफाई होती है यहाँ पर? कभी नहीं होती है। एक्चुअली सफाई तो होती है, लेकिन कैसा डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मतलब कि कचरा एक्स्ट्रा हो जाता है, पानी क्रॉस हो जाता है, आफ्टर क्रॉस द ब्रिज। रेगुलर कूड़ा उठता है यहाँ से? रेगुलर तो नहीं उठता, लेकिन नहीं कैसा उठता। हाँ तो नाले की हालत बता रही है, पता नहीं कितने महीनों से साफ नहीं हुआ। हो भी सकता है, नहीं आपकी दुकान बगल में ही है तो आपको पता नहीं है। मैं बताता रहा हूँ सर, पानी फ्लो हो जाता है ना, उसके बाद साफ सफाई कराते हैं, उसके बाद साफ सफाई होती है। जब नाली का पूरे नाले का पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तब साफ सफाई होती है, और उसके बाद ये हालात हैं। ये दूसरा नाला है, एक ही इलाके में 2-2 नाले हैं और बड़े नाले हैं जो इलाके के पूरा जो पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो आता है। अभी इस नाले की हालत देख लीजिए, आपको एक नाला पहले दिखाया, महज 10 फीट की दूरी पर ये दूसरा नाला आप यहाँ ये देखेंगे, ये कूड़े के ढेर से पूरा पटा हुआ है, पानी नीचे से उबाल मार रहा है ये पूरे इलाके को, गंदगी का अंबार इतना है कि यहाँ पर सांस लेना भी दूभर है। आप लोग कब से रह रहे हैं? हमें यहाँ 28 साल हो गए। ये साफ सफाई हुई है नहीं है? आखिरी बार इस नाले की सफाई कब हुई? कहीं नहीं हुई इसकी, नहीं हुई इसकी सफाई, इसकी पीछे लोगों का मकान डूबती है पानी में। ये आगे दिखाएं, ये गंदगी पूरी यहाँ पर, बीमारी का अंबार यहाँ पर है, और जो आप जो देखेंगे यहाँ पे कि ये पूरी तरीके से जो घरों का पानी है और जो आता है जो निकल के आता है, क्या वापस जा रहा है? देखो वो देखो। अच्छा, ये सफाई नहीं हुई यहाँ पे? वो नहीं, यहाँ कोई सफाई नहीं होती, वो देखो पानी वापस जा रहा है, वो देखो पानी, और इधर कैमरा लगाओ, इधर इधर दिखाओ। नहीं, यहाँ की सफाई लास्ट टाइम कब हुई? होती ही नहीं है, कभी नहीं होती, कभी नहीं। ये इसी तरीके से रहता है? तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की पार्षद या कौंसिल से? तो ये शिकायत कितनी भी कर लो, किसी से भी कर लो, ये पानी का फ्लो आप देख लीजिए और कूड़े का अंबार आप देख लीजिए, यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो कूड़ा है वो यहाँ पर मौजूद। जी यहाँ दो डेड बॉडी हो गई थी, वो आज तक यहाँ फंस गई थी, आते वो डेड बॉडी नहीं मिली थी यहाँ पर, वो इस नाले में डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी आज तक मिली नहीं, डेड बॉडी वो सफाई की वजह से, सफाई की वजह से पुलिस यहाँ आई, काफी बरसात करी उन्होंने, बहुत प्रयास करा, वो डेड बॉडी नहीं मिली यहाँ से, लोगों के पीछे मकान डूब जाते हैं जब पानी, बरसात में जब पानी तरफ बोल होता है लोगों के पीछे। मैं कैमरा पर्सन वसीम से कहूँगा थोड़ा सा पैन करके कैमरे को दिखाएं कि ये पानी का फ्लो कितना तेज है, और घरों के बिल्कुल जड़ों से ये नाला जा रहा है, सफाई के नाम पर यहाँ पर फिलहाल जीरो नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप, और ये इलाका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वजह से भी पिछड़ा है क्योंकि विधायक साहब की शायद इस पर नज़र इनायत नहीं हो पाई, या पार्षद यहाँ पर काम करते हैं, लोग दैनीय जिंदगी जीने पर
मजबूर है यहाँ पर, क्योंकि इलाके की चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे आप ये नालों की बात कर लें, सीवर की बात कर लें, पूरी तरीके से गंदगी का अंबार जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आखिरकार इंसानों की इस बस्ती में इस तरीके की अगर गंदगी होगी, साफ़ सफाई नहीं होगी, तो क्या कहें उस चीज़ को कि नालियाँ खुली हुई हैं पूरी तरीके से, जो ऊपर से पानी शायद नीचे से अंदर से जाना चाहिए था वो सड़क के ऊपर से जा रहा है। यहाँ क्या सफाई वफाई हुई नहीं हुई कभी? सफाई आता है यहाँ पे, रुक जाता है, हाँ गटर जाम होता है। सफाई होती है नहीं होती? आता है झूठो खोद खाद के चला जाता है बस, सही से बस। इसके अलावा सफाई नहीं होती? ना। तो ये जसोला यहाँ जो गांव है उसका इलाका है, और इस इलाके में आप देख लेंगे अमूमन यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास से नीचे लोअर फैमिली जो है वो यहाँ रहती है, लेकिन हालात यहाँ पे जो देखने को मिले हैं वो बद से बदतर मिले हैं। चाहे विधायक हों या पार्षद, दोनों ने इलाके को पूरी तरीके से नज़रअंदाज ज़रूर किया है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे, किस तरीके का पब्लिक का मूड है और क्या क्या चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मूड क्या है पब्लिक का। इस बार मूड क्या है? आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी, हाँ। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही है। सफाई पहले हुई ना हुई? पहले जब होती, पहले होती तो फिर नौबत की बात ही नहीं हुई, पहले बदलाव की नौबत ना, बदलाव की नौबत। आप बताएं जी, क्या लग रहा है, क्या इस बार मुद्दे, मेन मेन मुद्दे क्या हैं? सर ये जो कूड़े के ढेर इधर लगे हुए हैं, जहाँ आदमी जिनको कैंसर की बीमारी उनसे होने की संभावना है, वो मेन केजरीवाल का ये मुद्दा है, वो कूड़े के ढेर हटाए जाए। जो सफाई सुथराई का भी है, ये जो बीजेपी वाले बन जाते हैं तो अब सफाई सफुई करते नहीं है, और पोजिशन वही रहती है देश की और पूरी दिल्ली की, कूड़ा करकट। ये देखो आके चार नंबर पर जाके देखो क्या हाल है कूड़े का, अब उठवा रहे हैं तो अब इलेक्शन है, वैसे नहीं आते। इससे पहले नहीं हुई ना? पहले आते ही नहीं थे, जाके देखो क्या हाल है, पहले वीडियो ले लो वहाँ से, सब बच्चे दे वीडियो देंगे आप। प्रधान जी आप बताएं क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से हैं, पूर्व पार्षद ने काम किया है यहाँ पे या नहीं किया? नहीं, नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मेन मुद्दों की अगर मैं बात करूँ तो क्या है वो मेन में, चाहे वो झाड़ू लगने की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे कूड़ा उठाने की बात हो, चाहे सीवर की बात हो? अगर केजरीवाल जी अगर आते हैं MCD में तो दिल्ली की तस्वीर ही चेंज हो जाएगी। उसने तो मुद्दा गाजीपुर वाला तो अभी मुद्दा उठा रखा है कि जीतते ही मेरी अगर आती है पार्टी तो सबसे पहले कूड़े वो सफाई कराएगा, और कराएगा भी, वो जो कहता है वो करता है। आप लोगों का मेन ऐसा क्या काम है जो अगर आप लोग जीत कर आते हैं, आम आदमी पार्टी जीत के आती है, तो इस वार्ड में सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए आपके? देखो एक तो सफाई का सबसे मेन, दूसरा जो यहाँ लोगों क्या जैसे बिल्डिंग बनाते हैं MCD वाले आके रोक देते हैं, वो चीज़ें वो जो खौफ है वो चीज़ ख़त्म करेंगे अगर हम लोग आते हैं जीत के। जो यहाँ माहौल बना हुआ है खौफ का, अभी कोई बिल्डिंग बनाने लगे 2 मिनट में आ जाते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे अगर हम जीतते हैं तो। जाहिर सी बात है जो आम जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही कहीं ना कहीं चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों यहाँ फिर आते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जीत भी रहे हैं, जीत रहे हैं, हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। लगता है इस बार पूरा बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्यों नहीं, मूड बन गया, लिखा मूड है ना पब्लिक। तो पहले 80% सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही थी, अभी भी उतनी मिल रही हैं, वो तो बीजेपी है, बीजेपी तो भाई 20% 25% जाएगी, ये 75% में आम आदमी पार्टी आएगी। और कांग्रेस? कांग्रेस 0/0। भाई कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इन ट्राइंगल केसेस में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा इलाके वाइज अगर हम बात करें तो पल्ला भारी नज़र आ रहा है। वो इस वजह से लेके क्योंकि जो MCD के जो मुद्दे हैं आपसी खींचातान है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, चाहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगाती हो बीजेपी की, 15 साल से ज़्यादा का वक्त MCD को दिया, बीजेपी को दिया गया MCD में, लेकिन कितने काम हुए वो जनता के सामने है। आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा, पब्लिक का मूड क्या है? पूरा बदलाव हुआ है जी, पब्लिक परेशान है, हर आदमी परेशान है। 15 साल से बीजेपी जो है MCD पे कब्जा करा बैठी है, अब एक मौका जो है MCD को जो ना छोड़ना चाहिए और पार्टी को देना चाहिए। अच्छा ये 8 महीने जो चुनाव आगे बढ़े इससे नुकसान हुआ या फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा ही है, नुकसान क्यों है, पब्लिक को और टाइम मिल गया, लोगों का काउंसलर सारे बेकार हो रहे, काउंसलर जो है कूड़े के ढेर लगा दिए काउंसलरों ने। आप जो है आप पार्टी काम कर रही है, गरीबों को फ़ायदा पहुँचा रही है, हर काम गरीबों के लिए कर रही है, हर लेडीज़ों को इतना फ़ायदा आया कि फ्री में चल रही है बसों के अंदर, बीजेपी क्या कर रही है? तो MCD की भी सूरत बदलेगी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो? इंशाल्लाह, चलिए वक्त बताएगा कि कितनी सूरत बदलती है। तो क्या लगे यहाँ पे, क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे तो बढ़िया हैं, तो जीत भी रहे हैं,
आम आदमी पार्टी के पक्के सपोर्टर हैं? पक्के सपोर्टर हैं, पक्के हैं। क्या लगता है कि इस बार जीत पक्की है? जीत पक्की है। चलिए ये भी वक्त बताएगा कि जीत कितनी पक्की है और कितनी नहीं है और कितने मार्जिन से यहाँ जीतते हैं, क्योंकि बीजेपी की पूर्व पार्षद थी, आरोप यही है कि यहाँ पर काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी हैं, उसका आगे आई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि क्या जनता उस आरोपों पर खड़ी होगी या फिर उस आरोपों को खारिज करेगी या क्या नतीजा निकल के आता है, ये तो 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे फैसला हो जाएगा। वार्ड नंबर 87 में क्या है मुद्दे, क्योंकि यहाँ पर जो आमने सामने की अगर लड़ाई की हम बात करें, मेन मुद्दों की बात करें, तो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मुस्कान भिदोड़ी हैं और तो वहीं बीजेपी से पूर्व पार्षद नीतू चौधरी यहाँ पर हैं। दोनों इस बात की लेकर दावे कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्ता परिवर्तन बीजेपी में होकर रहेगा। पिछले 15 साल से ज़्यादा का वक्त बीजेपी को दिया एमसीडी में, इस बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार एक तरीके से एमसीडी में देखने को मिलेगी, लेकिन पब्लिक का मूड क्या है वो जानते हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं, क्या लगता है आप लोगों को इस बार की परिवर्तन होगा क्या? बहुत ज़बरदस्त होगा और मुस्कान भिदोड़ी जीत रही है आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल की निगम पार्षद की सीट सारी आएंगी क्लियर, इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। मुद्दे क्या क्या हैं आपको लगता है कि जो पूर्व पार्षद ने नहीं किया वो काम ज़रूरी है यहाँ पे, चाहे कूड़े का हो, सफाई का हो, सीवर का हो, ये सब मुद्दे जो जितने भी भाजपा के निगम पार्षद हैं किसी ने कहीं काम नहीं करा पूरी दिल्ली में। इतनी गंदगी है, सब सीवर गंदे पड़े हैं, ना पानी की व्यवस्था है, लोग बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे इस बार मूड क्या है, बदलाव का है या आप थोड़ा सा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बदलाव है, 100% बदलाव है और आम पार्टी आनी भी चाहिए। अगर ये आएंगे तो इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा आम पार्टी को। कैसे वो कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि अगर एमसीडी का भी इनके पास आ जाता है तो पूरा चेंजमेंट हो जाएगा, जितना भी जो भी कचरा है वो सब साफ हो जाएगा। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं लगेंगे, आपका कहने का मतलब यह है कि चाहे केजरीवाल सरकार कहती है कि एमसीडी में बीजेपी काम नहीं करती है, चाहे वो हाउटैक्स की बात हो या दूसरी बात हो, एक मास्टर स्टॉक की तरह कह रहे हैं बीजेपी की, जो 12 साल का हाउस टैक्स था वो माफ़ कर दिया गया पूरी तरीके से और जो पेनल्टी थी वो भी माफ़ कर दिया, किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए लोग बाग इतने परेशान हैं कि हम जितना बोले इतना कम है, अगर आम आदमी से आप पूछे तो उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है ना उनको ही पता है। एमसीडी ने इतनी लूट मचा रखी है ना, काम कराना नहीं है और लूट मचा रखी है, आम आदमी पिस रहा है उसमें, क्योंकि इनको अपनी जेब से मतलब है। तो इस बार मूड पूरा बदलाव का 100% सर 100%। क्या लगता है कितना, जिस तरीके से पिछले पार्षद थी यहाँ बीजेपी की, पहले कांग्रेस थी फिर बीजेपी में आई, अब जो है आमने सामने की आप लोगों की टक्कर लग रही है, मजबूती कितनी लग रही है दावेदारी? देखिए आम पार्टी का जो यहाँ पे है सरिता बिहार विधानसभा की जो सीट से मुक्शान भिदोड़ी जो खड़ी है वो 100% जीत है उनकी, बिल्कुल 100%। ये तो वक्त बताएगा किस तरीके से और कितनी जीत होती है। आपको क्या लगता है जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और मुद्दे पूरे झाड़ू फिर रही है एक तरफ से। हाँ, पूरी ये जो गंदगी है ना, आम आदमी आने के बाद ही सफाई होगी यहाँ पे सही से। ये जो कूड़ा कचरा है देखो कितना ढेर लग रहा है, सब तुम्हारे सामने है। आम आदमी पार्टी आती है तो ही अच्छे से दिल्ली। पूर्व पार्षद ने कुछ काम किया या नहीं किया? कोई काम नहीं करा पूर्व पार्षद ने, कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा। इसीलिए तो हम आम आदमी पार्टी को ला रहे हैं, नई सोच है, नई विचारधारा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी का आना जरूरी है। चलिए, नई सोच और नई विचारधारा, जाहिर सी बात है अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदलेंगी जरूर। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं शायद वो आरोप प्रत्यारोप में लगे और जनता के काम भी होने लगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दे की तो आप कहे तो देखो एमसीडी में तो इस एरिया में कोई मुद्दा है नहीं, बीजेपी एक तरफ आ रही है क्योंकि मनीष चौधरी ने जो काम किया है मेरे ख्याल से शायद ही दिल्ली में कोई पार्षद होगा जिसने इतना काम किया है। और रही बात ये जो केजरीवाल की जो गारंटी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो केजरीवाल के भी तो कितने पार्षद रहे हैं दिल्ली में पिछले, उनके जो वार्ड थे क्या वो बहन जो चमक गए थे, सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी गलत है, क्या उन्होंने चमका दिए थे वो जो पार्षद थे? उनके एरिया में जाकर देखो ना अब क्या हाल है, जो वो कहते अरे जब उनके रहते हुए कुछ काम नहीं हुआ, नहीं तो वो पार्षद फिर मतलब बनाने भी या तो चाहिए पूरे पार्षद या फिर आधे से काम नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अरे उनके भी तो अपनी पावर होती है, अपनी पावर से वो काम करा सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे बराबर में। अबुल फजल में जो वो वाजिद जो है उनके एरिया में जाके आप देखोगे ना इतना गंदा हाल है। और यहाँ आप सरिता विहार में जाइए, जसोला में जाइए, इधर तैमूर नगर में जाइए, आपको बिल्कुल एमसीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और हम बहुत ज़्यादा भारी मतों से जीत रहे हैं इस बार, तो बहुत मैं कह रहा हूँ जो
तीसरी बार जो है, और हमें उम्मीद है कि अब की बार जो है ना नीतू मनीष चौधरी चेयरमैन भी जो बनेंगी, क्योंकि वो तीसरी बार जीत के आएंगी, तो इसलिए हाँ मेयर मेयर। हाँ बहुत बढ़िया तरीका से हम आ रहे हैं। नीतू मनीष चौधरी ने एरिया में इतना काम किया है कि उनको कोई सामने खड़ा होने का टक्कर देने वाला कोई नहीं है। आम आदमी की कोई पार्टी सारी बातें झूठी है, सारी बातें झूठे हैं, फेक गारंटी। हमारे इधर तो काम ही नहीं करते MLA साहब, हमारे इधर तो झांकते भी नहीं है, आके आज तक नहीं आए। हाँ विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे यहाँ से, हमारे एक बार भी जो है ना पानी खरीद के पीना पड़ता है, ये तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। मतलब एक जो लेबर वाला वो खाना साथ में लाएगा खरीद के, तो साथ में पानी भी जो है ना कैन में खरीद के लाता है। जो दिल्ली तो ये कहते हैं ना हमने दिल्ली में ये कर दिया क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया। हमें तो लग रहा है यहाँ पे जो है या तो रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को बसाया गया, और तो कुछ करा नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो मैं ये कहूँगा BJP हमारे जो पार्षद बनी नीतू मनीष चौधरी है उनके जैसा काम आज तक किया नहीं। जो आम आदमी पार्टी जो गारंटी जो वादे कर रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा तो ठग इनका केजरीवाल ही है जो है, जैसा काम नीतू मनीष चौधरी ने किया है और आगे जो करेंगे इससे बढ़िया करेंगे। बाकी आम आदमी पार्टी का दूर से दूर कोई मतलब नहीं। BJP MCT में बिल्कुल चौथी बार तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं हम। 15 साल से तो पहले से ही है बीजेपी से। नहीं बीजेपी है। हम अपने पार्षद की बात कर रहे हैं नीतू मनीष चौधरी की। एक बार तो कांग्रेस रही, दोबारा बीजेपी से रही। नहीं दो बार कांग्रेस से रही है, इस बार बीजेपी से। इस बार बीजेपी जी, तो लग रहा है कि इस बार पूरी तरीके से बिल्कुल बहुत भारी बहुमत से जीते हुए हम। तो काम की बात करें, मुद्दों की बात करें, काम आप देखो मेरी बात सुनो, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सारे इलाके में घूम रहे हो, आप हमारे इलाके को देखो, हमारे पार्षद ने जो सफाई जो काम करें, जो लोगों को एक एक यहाँ के वोटर को जाके उन्हें समझाया है, मतलब बातें उनसे हर काम पर्सनली लेके काम करें सारे। लड़ाई किसमें है, आम आदमी पार्टी बीजेपी में या और? लड़ाई नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। मनीष आप काउंसलर यहाँ रह चुके हैं, आपकी पत्नी काउंसलर रह चुकी हैं, मुद्दे जो जनता के हैं क्या लगता है आपको, इस बार कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है? नहीं चुनौती तो कोई नहीं है, क्योंकि हमने काम कराया, हमें अपने काम पे विश्वास है और लोगों का समर्थन देख के तो निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। और मुद्दे तो आम आदमी पार्टी ने बहुत दिए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बहुत मुद्दे दिए हुए हैं। गांव में पानी का मुद्दा है, गांव में नाले का मुद्दा है, गांव में कोई ऐसी अच्छा गांव के आसपास कोई अस्पताल नहीं है जिसमें जाके लोग इलाज करा पाएँ, या गाँव में ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो केजरीवाल ने दिए हैं। तो मुद्दों पे तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। कूड़ेदान का सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ पे बताते हैं कूड़ेदान कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों को ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है। देखिए एक बताइए, मेरे वार्ड से ज़्यादा कूड़ेदान तो कहीं है भी नहीं। अब आप वार्ड में जाके घूम आइए, वो गाड़ी जा रही है कूड़े की अभी आपके सामने, वो निकल के गई है, ये कहाँ से आ रही है? और आप जाके घूम आइए, कहीं आपको कूड़े का अंबार लगे तो हमें बताइए, आप घूम लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कूड़े का पहाड़ बीजेपी ने दिया, वो हटाना है, कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लोगों का कूड़ा जो है वेस्ट जो निकलता है वो कहीं ना जाके डंप होगा, और वहाँ आप देखिए बड़ी बड़ी सेग्रीगेशन की मशीन लगी हुई है और डेली वहाँ पे कूड़ा सेग्रीगेट होता है, उससे खाद बनता है। और केजरीवाल जी अपना फॉर्मूला बता दीजिए कि कूड़े के पहाड़ों को कहाँ ले जाएंगे, कैसे ख़त्म करेंगे। हम चल रहा है और आप देखो गाजीपुर की कूड़े की हाइट बड़ी कम हुई है, तुगलकाबाद वाले कूड़े का भी प्लांट लगाया गया है, उसमें अमित शाह जी ने खुद उद्घाटन किया है। तो जो चीज़ केंद्र सरकार और MCD कर सकती है वो कर रहे हैं। तो ये तो सब झूठी वादे हैं कि भाई घर घर में वाईफाई पहुँचा देंगे, घर घर में कैमरे लगा देंगे, आप जाके देखो कि कितने कैमरे लगे हैं, कहाँ लगे हुए हैं। उम्मीद कितनी लग रही है कि इस बार फिर दोबारा बहुमत है, 100% बहुमत है, 100% बहुमत, हाँ बिल्कुल चौथी बार ज़रूर ज़रूर आएगी जी। BJP या आम आदमी पार्टी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपने देखा किस तरीके से अब पब्लिक का मूड बनता जा रहा है, क्या बदलाव चाहती है या फिर पुराने पार्षद के ऊपर एक बार फिर भरोसा करेगी। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे एक नए वार्ड की कहानी, नए पार्षद की कहानी, और किस तरीके से पब्लिक का क्या है मूड वो जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरा वसीम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।